नमस्कार, मैं अमन यादव और आप देख रहे हैं वीके न्यूज। अक्सर विवादों में रहने वाले अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के बेटे हंटर बाइडेन को लेकर इस बार फिर से एक बड़ा खुलासा हुआ है। विदेशी मीडिया की खबरों के मुताबिक हंटर बाइडेन ने गलती से एक रूसी वेश्या को अपने पिता के अकाउंट से $25,000 यानी करीब 18,55,000 रुपए का भुगतान किया। न्यूयॉर्क पोस्ट के मुताबिक मई 2018 में हंटर ने रूस की हमरलाट फैंटेसी गर्ल्स एजेंसी से याना नाम की वेश्या को बुलाया था। हंटर ने याना को मैसेज भेजकर ये पूछा था कि वह एक होटल में है और क्या वो भी अभी उपलब्ध है। याना होटल पहुंची, दोनों के बीच संबंध बने, वोडका पी और फिर पॉर्न वीडियो भी बनाया। इसके बाद कॉलगर्ल का पेमेंट हंटर ने अपने पिता जो बाइडेन के खाते से किया था। सभी मैसेज तस्वीरें हंटर बाइडेन के लैपटॉप में सेव थी। हंटर अपने लैपटॉप को किसी डायरी की तरह रखते थे जिसमें वह हर मैसेज और टेक्स्ट मैसेज की हुई बातचीत, फाइनेंशियल रिकॉर्ड वगैरह सेव करते थे। हंटर अपना ये लैपटॉप डिलीवर रिपेयर शॉप पर भूल गए थे और इस तरह से ये अमेरिकी जांच एजेंसी FBI के हाथ लगा। खबर के मुताबिक याना अगले कुछ दिनों तक हंटर के साथ ही रही और उसने अपनी पेमेंट की मांग की। हालांकि हंटर के डेबिट कार्ड काम नहीं कर रहा था और याना भी अपने $8,000 लिए बिना जाने को तैयार नहीं थी। 24 मई को सुबह हंटर ने अपने कैश ट्रांसफर ऐप जेली से गुलनोरा नाम की महिला को जोड़ा। ये महिला याना की बॉस थी। हंटर ने गुलनोरा के अकाउंट में $8,000 ट्रांसफर किए लेकिन वह भी नहीं हुए। इसके कुछ ही मिनट बाद फाइनेंशियल सर्विस कंपनी वेल्स फार्गो ने हंटर को फ्रॉड डिटेक्शन अलर्ट भेजा। इसके बाद याना ने भी $8,000 अपने अकाउंट में ट्रांसफर करने की कोशिश की थी लेकिन वह भी नहीं हो सका। याना वापस चली गई लेकिन जब हंटर सोकर उठे तब उनके बैंक अकाउंट खाली हो चुके थे। कंप्यूटर में सेव रसीदों से पता लगता है कि जो ट्रांजेक्शन फेल हुए थे वो असल में हो चुके थे और पैसा ट्रांसफर हो गया था। पहला $8,000, इसके बाद $2,000, फिर $3,500, एक बार फिर से $8,000 और आखिर में $3,500। बारी बारी करते हुए एक घंटे के अंदर $25,000 हंटर के अकाउंट से ट्रांसफर हो चुके थे। हालांकि इसके कुछ देर बाद ही याना ने हंटर को मैसेज किया। याना ने लिखा, मेरे अकाउंट में कई बार पैसे आए, बीती रात से अब तक $19,500 आ चुके हैं। जब मुझसे मिलना चाहो फिर से मिलना ताकि मैं तुम्हें ये लौटा सकूं। अच्छा होगा अगर तुम मुझे मेरे निजी नंबर पर कॉल करोगे। इसके बाद याना का नंबर बंद हो गया और एमराल्ड फैंटेसी गर्ल्स एजेंसी भी बंद हो चुकी है। अब आपकी क्या राय इस वीडियो को लेकर हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए। मैं अमन यादव, वीके न्यूज, दिल्ली।